सबसे पहले आर्थिक राजधानी इंदौर का हम रुख करेंगे, जहां से इस वक्त खबर मिल रही है कोरोना संक्रमित नए मरीजों की एक बार फिर से पुष्टि हो गई है। 91 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2107 हो गई है। साथ ही 3 मरीजों की जान भी कोरोना संक्रमण की वजह से गई है और अब तक 95 ऐसे मरीज हैं जिन्होंने खतरनाक संक्रमण की वजह से दम तोड़ दिया है। तो इंदौर इस वक्त मध्य प्रदेश का हॉटस्पॉट, जहां पर कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा देखने के लिए मिल रहा है। लगातार नए मरीजों की पुष्टि हो रही है और तमाम प्रयास यहां पर फिलहाल प्रभावी नजर नहीं आ रहे। चलिए क्या है ताजा हालात, सीधे रुख कर लेते हैं इंदौर का। संवाददाता पीयूष पारे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, तमाम प्रयासों के बाद भी अब लगातार नए मरीजों की पुष्टि का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और कहा जा सकता है कि इंदौर में इस वक्त कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। देखिए बिल्कुल रुमिता, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से यहाँ पर आंकड़े बढ़ रहे हैं वो काफ़ी चिंताजनक है। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 91 नए मामले सामने आ चुके हैं, इसके साथ ही 2100 के पार ये आंकड़ा जा पहुँचा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब कहीं ना कहीं ये आंकड़े बेकाबू होते जा रहे हैं, लगातार पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। हालाँकि जो सैम्पलिंग है वो भी वहाँ पर इसकी संख्या भी लगातार बढ़ाई गई है, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं यहाँ पर नए क्षेत्रों से जो पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं उसने कहीं ना कहीं यहाँ पर एक नई चुनौती स्वास्थ्य विभाग के सामने भी खड़ी कर दी है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो साफ तौर पर 3 मरीजों की मौत की पुष्टि भी हुई है और 95 मरीज ऐसे हैं जो अब तक कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं, जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो लगातार शासन प्रशासन यही दावा कर रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में स्थिति कंट्रोल में होगी, लेकिन यही एक बड़ा सवाल उठ रहा है उम्मीद है कि आखिर इन आंकड़ों पर कब ब्रेक लगेगा और कब कमी आएगी, क्योंकि पिछले दिनों कुछ यहाँ पर जो है वो इन तमाम आंकड़ों में कुछ राहत जरूर यहाँ पर मिली थी। कुछ हद तक यहाँ पर हमने देखा था कि आंकड़े कम भी हुए थे, बावजूद उसके अब इन आंकड़ों में लगातार उछाल देखा जा रहा है। दूसरी तरफ एक और अहम बात हम लोग बता दें रोमिता, कि जिस तरीके से यहाँ पर 17 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर जो अधिकारियों को निर्देश मिले हैं या फिर केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक इंदौर में लॉकडाउन आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए खास तौर पर प्रशासन मंथन कर रहा है, पूरी तरह से रणनीति तैयार की जाएगी और कैसे यहाँ पर इस लॉकडाउन के दौरान कैसे लोगों को राहत मिले इसकी कोशिश भी की जाएगी। तो फिलहाल आंकड़े लगातार बढ़ते हुए, चिंताएं लगातार बढ़ती हुई और चुनौतियां भी बढ़ती हुई, और कैसे इन आंकड़ों पर ब्रेक लगेगा एक बड़ा सवाल लगातार यहां पर बना हुआ है। रोमिता, बिल्कुल इंदौर के लिए इस वक्त स्थिति काफी चिंताजनक है, क्योंकि वक्त के साथ साथ यहाँ पर संक्रमण का जो खतरा है वो भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही जान गंवाने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए।